हिमाचल प्रदेश में अवैध रूप से पशुओं की तस्करी करने का एक मामला तब सामने आया जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पशुओं से भरा एक ट्रक व दो जीप पकड़ी। मामला बिलासपुर जिला का है, जहां नौनी चौक से कुछ दूरी पर स्थित मंडी भराड़ी पुल के समीप पशुओं से भरी तीन गाड़ियां पकड़ी गई। वहीं ये पशु मंडी जिला के धनोटू से रोपड़ ले जाए जा रहे थे, जिसकी जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली और उन्होंने इन वाहनों का पीछा करते हुए बिलासपुर के मंडी भराड़ी पुल के समीप रोक लिया और इस बात की सूचना बिलासपुर सदर थाने को दी। वहीं तीनों वाहनों में करीब 18 गाय व बछड़ों को ठूस कर ले जाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही पंचायत प्रधान व पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वाहन चालकों से इस संबंध में डॉक्यूमेंट मांगे, मगर वाहन चालकों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिले। वहीं मामले की जानकारी देते हुए नौनी पंचायत प्रधान निर्मला राजपूत ने कहा कि कुछ गाड़ियों में पशुओं को जबरदस्ती ठूस कर ले जाने की जानकारी मिलते ही वे मौके पर पहुंची और उन्होंने देखा कि गाड़ियों में लदे पशुओं की हालत काफी खराब है। मुझे थोड़ी देर पहले यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं मेरी पंचायत के, उन्होंने फोन करके बुलाया कि यहाँ पे पीछे से कुछ जो बजरंग दल के लोग हैं वो इन्होंने गाड़ियाँ रोकी हुई हैं, तो प्रधान जी आप भी यहाँ आओ। तो मैं जैसे यहाँ पहुँची तो मैंने यहाँ देखा दो पिकअप हैं, उनमें 7 पशु हैं, गाय हैं और 10-11 पीछे एक बड़े कैंटर है उसमें है, जो पूरी तरह से बंद थी गाड़ियाँ, त्रिपाल डाला हुआ था और जो अंदर पशु थे वो मतलब हाँफ रहे थे, तो इन लोगों ने वो त्रिपाल हटा के उनको पानी पूनी पिलाया है। अब थोड़ी सी हवा लगी है, मतलब काफ़ी हाँफ रहे थे वो पशु, तो यहीं पे रुके हुए, तो यहाँ पे और भी लोग आए हुए हैं, तो इन्होंने पुलिस को भी बुलाया, पुलिस भी पहुँची है और साथ में कुछ लोग मेरे साथ ये जो पीछे से आ रहे हैं बघेड़ और घुमारमी से, इन्होंने इन गाड़ियों को पीछा करते हुए आए हैं और यहाँ आके इन्होंने गाड़ी पकड़ी है। कहाँ जा रही गाड़ी है ये पता नहीं, अब ये ड्राइवर लोग बोल रहे हैं कि रोपड़ जा रहे हैं हम। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सरकार व प्रशासन से मांग की है कि पशु तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए ताकि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पशु तस्करी खत्म हो सके। हम गाड़ियों का पीछा कर रहे हैं पनों से, हमें कहीं से सूचना मिली कि मंडी साइड से एक ट्रक और दो पिकअप गायों से भरे हुए आ रहे हैं, तो हमने इनका पीछा किया, इन्होंने गाड़ियाँ भगाई, तो जैसे गाड़ियाँ भगाई फिर हमने अपने 5-6 गाड़ियों से कवर करके इनको यहाँ रोका नौनी से पीछे, जो भराड़ी पुल बना हुआ है फोर लाइन का, तो फिर जैसे रोका हमने, जैसे इनके रस्से रुस्से और ये त्रिपाल हटाए तो इनमें गायें थी और गायें भी ठूस ठूस के भरी हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि सरकार से कि उचित कार्रवाई हो। और ये वैसे तो वोट बैंक की राजनीति हो रही है कि गाय माता, तो गाय माता अगर है तो आप देखिए, प्रैक्टिकली देखिए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, कितने ही केस हो चुके हैं गऊ रक्षकों पर। अब देखो ये केस हुआ, ये हमारे ऊपर भी केस बनेगा 100%, क्योंकि ये बोलेंगे कि हमारे ट्रक रोक लिए, ये रोक लिए, केसों से हम डरते नहीं हैं, लेकिन हम ये अन्याय और ये जो चला हुआ है समाज में ये हम कतई भी नहीं देखेंगे, ना सहन करेंगे ना बर्दाश्त करेंगे। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इनके पास एक प्रधान का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, वो 4th महीने का है, तो जब हमने प्रधान को फोन किया तो प्रधान मुकर गया कि मैंने इन्हें दिया हुआ है, ये 4th महीने का है, तो ये पहले ले गए थे कहीं, तो जब हमने ड्राइवर से पूछा तो ये बोलता है कि मैं 2 दिन में एक गेड़ा मारता हूँ, तो आप हिसाब लगाइए कि ये बंदा कब से काम कर रहा है और कौन इनके पीछे है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर DSP बिलासपुर राजकुमार ने कहा कि कुछ वाहनों में पशुओं को भरकर ले जाने की शिकायत बिलासपुर सदर थाने में आई है, जिन्हें कुछ लोगों द्वारा रोका गया और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। हमारे पास पुलिस स्टेशन सदर में एक इन्फॉर्मेशन आई है कि मंडी भराड़ीपुर के आसपास एक ट्रक को रोका है और जीप को, जिसमें मतलब जो कैपेसिटी से ज़्यादा जो पशु जो उसमें डाले हुए हैं, जिस सूचना पर पुलिस थाना सदर से जो वो टीम मौका के लिए चली गई है और जो भी उसमें लीगल होगा तो कार्रवाई जो अमल में लाई जाएगी।